वो टीचर्स लोग है ना ऐसे बच्चों में पहचान लेते हैं कि ये बच्चा कुछ कर सकता है। कुड़ी कुड़ी पढ़ाई करे माँ की जान, माँ गोबर को नहीं रहे, मन नौकरी लगा दी। तो मैं जिस चीज को सोचती बहुत कम थी कि मैं क्या करूंगी, नंबर कैसे आएंगे, नीट में कैसा होगा। अकड़ माँ की तकड़ी जना नौकरी लाग गई, माड़ी मोटी माँ यहाँ के लग गई। जिस चीज में ज्यादा थिंकिंग करेंगे ना वो दिमाग में ज्यादा घूमती रहेगी। दोनों बहुत बोली जाए टावर सोरो कौन बोल जाए नेटवर्क नहीं आता हमारे तो क्लास वगैरह नहीं चलती थी बिल्कुल भी। नारी की है थोड़ी बहुत गई है तो वापस एक बार भेज के देखो सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे गई थी मैं तो। राम राम सर, नमस्कार, मैं पंकज थे देख रहा हूँ जलको चूरू में रहता हूँ, स्वागत है। आज आप गांव आए हैं भोजा से छोटा के अंदर, पता चलियो कि जैसे एक लड़की है और डॉक्टरी ही जो फील्ड हो क्यों चुने गयो, तो बात करेंगे आप सुमन सियाग अपने साथ में है। पहले तो बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। जगह दिन रिजल्ट आयो तो रिजल्ट कौन तो चेक करो ऐसा हूँ पहली जगह है कि बतायो की कुछ मेरे भाई चेक करे मेरे पापा ने बतायो जी टाइम रिजल्ट आयो जी टाइम की जा था मेरे भाई आगे खेत कमाने और मैं सारा ही खेत का। पापा जी ने बताया? पापा जी ने बताया रात में। तो उम्मीद ही या अन्य कुछ? कोई डर कोनी है, पूरी उम्मीद ही। कि स्कोर जोड़े आज ना 620 के लगभग आ रहा तो 620 बन रहा है। जहाँ बताया कि 610 के लगभग रहे तो 620 नंबर आ तो श्योर ही लाग रहे मैंने तो। शुरुआती पढ़ाई की बात करा तो बात की जम रही थी, यहाँ से 8-9 किलोमीटर पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और उसके बाद 11th से सीकर में पढ़ी थी, 11th 12th फिर कोचिंग स्कूल का टीचर है। तब मैं कुछ बताया कि आगे 10th कंप्लीट होने के बाद कि मैंने ई विषय पर जाना था। जाता तो कोई नहीं था पर वो टीचर्स लोग है ना ऐसे बच्चों में पहचान लेते हैं कि ये बच्चा कुछ कर सकता है ऐसे। तो उन्होंने शायद मेरे अंदर ऐसा कुछ देखा हो तो उन्होंने भेजा था कि ये तो कुछ कर सकती है तो तू सीकर जा पढ़ ऐसे। पहली डॉक्टर सुमन सियागी निकली? हाँ मैं ही उधर से। तो यहाँ रहने पर हमारे पापा के भाई का भी लड़का है ना एक, वो यहाँ नहीं रहते थे पर वो भी डॉक्टर है गांव का, किसी का लेकिन यहाँ रहते नहीं थे वो। यहाँ वैसे नटे लोगों में तो मैं ही हूँ। वैसे गांव वाले मिलते हैं तो इनके बच्चे डॉक्टर बनी है ये वो, बेटा बहुत अच्छा काम किया, गांव का नाम रोशन किया, हमें भी तुम पे गर्व है, तुम्हारे घर वालों को भी गर्व है। दसवीं के स्कोर है 97% मैथ्स में 93 और साइंस में 98। उसमें जो हमारे टीचर है उनके कोई फ्रेंड्स वगैरह थे तो फ्रेंड्स से बात करके तो बोला ठीक है मिलना 12th यहाँ से करवा देंगे, पैसे नहीं थे इतने तो पैसों की प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट वाला 12th वो भी हुआ था, पहले इतने सी जमीन थी थोड़ी सी और इसमें भी बहुत कम दान होता था तो पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो परिवार की बात करें तो परिवार में कौन कौन है? एक भाई है जो बड़ो है, बहन है जिसकी छोटी है, भाई है जिसकी पढ़ तो लेकिन अभी साल पढ़ाई छोड़ दी थी और बहन पढ़ रही है अभी आर्ट्स है और भी माता पिता खेती कर रहे हैं। खेती कोई काम? पापा 10th तक पढ़ रहा है, मम्मी पढ़ रही बने पढ़ाई हुई नहीं 11th 12th में। तो फिर 12th के बाद कोरोना आ गया, किसी घर आ गए, फिर एक साल तक वापस गए नहीं। फिर 12th के एक साल के बाद किसी ने कहा कि बच्चे ने तैयारी की है थोड़ी बहुत गई है तो वापस एक बार भेज के देखो सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैसे मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी कि सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे गई थी मैं तो। मैंने कितनी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई? फर्क पड़ा ना क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता हमारे तो क्लास वगैरह नहीं चलती थी बिल्कुल भी। ना ऑनलाइन तो मतलब चली गई? कुछ नहीं चला ऑनलाइन, ना ही कुछ पढ़ते थे खेत में, या घर वाले काम करते थे उनके साथ खेत में काम करते थे, बहुत सारी गाय रखते थे उनका काम करते थे, खेत का काम नहीं होता था, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती थी। तैयारी करके देख पता नहीं हो जाए, मेरे को ऐसे नहीं लगता था, मैंने छोड़ दी थी नहीं होगा वो इतना हो गया। केमिस्ट्री बहुत वीक थी, किसी ने कहा कि जो मान सर है ना वो केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रियल में पढ़ाते ही बहुत अच्छा है। तो मैंने केमिस्ट्री की वजह से चेंज की थी कोचिंग क्योंकि फिजिक्स और बायो मेरी अच्छी थी पहले से। तो मैट्रिक से हुआ है जो 2023 के अंदर से निकले हैं? हां मैट्रिक से निकले। के माहौल तो पढ़ाई को और फैमिली से ना होना में तो इसलिए मेरा रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था, मैं काम करती थी ना वो करती थी मेरा वो तक जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो कॉलेज वाले काम देते थे पहले वो कंप्लीट करती थी, 1 बजे से छुट्टी होती थी तो 2 बजे तक खाना वाना हो जाता था, फिर 4 बजे तक रेस्ट, फिर 4 बजे से 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई चलती थी मेरी, बीच में विदाउट ब्रेक, फिर 10 बजे के बाद खाना खा लेती थी सो जाती थी, कोचिंग वापस 6:30 बजे। और बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल था मेरा, काम नहीं होता था ना वो क्लास में बैठ के करती थी, ब्रेक में बैठ के करती थी, लेकिन जो टीचर मॉड्यूल देती थी सारा सोल्व करती थी, पेपर के लिए सारा पढ़ती थी, कोशिश करती थी सारा कंप्लीट करने की, अब नहीं होता था उसमें तो। पर मैं मेरे काम के प्रति वो डेडिकेटेड थी क्योंकि मेरे को निकलना था, जरूरी था मेरे लिए। कौन सी कॉलेज मिली और अभी कितना टाइम हो चुका? हेलो आंध्र प्रदेश और 3 महीने। तो सुमन सियागा देखो नॉर्मल परिवार से निकल के है जो आपको गांव को नाम रोशन करे, पूरे चूरू के साथ है राजस्थान को है जो नाम रोशन करे, तो सीख बहुत लोगों ने मिलेगी जी लोग कहें कि आप घर घर काम काज भी बहुत हुआ क्योंकि आप खेती बाड़ी को काम भी हुआ पशु वगैरह भी रखा, तो
सुमन कह रही है कि मैं तो साथ में गाय भैंसा को भी लेकिन घरा रखे बागो भी काम करे काम भी है की छोरी है की पापा की लाडली हो। की लाडली काम तो धनी कराता है। अच्छा काम धनु कराता है मतलब प्यार से ज्यादा कौन करे पापा ही करे मम्मी करे पापा दूसरी भाई पापा सब इक्वल करे इक्वल करे हाँ लेकिन मम्मी थोड़ी ज्यादा पढ़ाई के प्रति ज्यादा डेडिकेटेड है हमारी हम काम करते हैं ऐसे बोलते हैं तुम पढ़ो काम करने के लिए हम बोलते हैं परिवार से निकली है आपकी बहन ही जी आपका टाइम पान के कुछ करना चाहिए कि जो चीज सब्जेक्ट में उनकी रुचि है ना वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करे अपने घर वालों को समझाए कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है उनके घर वाले में मतलब हमारे गाँव में ऐसा नहीं होता कि पढ़ाते हैं बच्चों को लेकिन वो अपने घर वालों को समझाए कि हमारी रुचि चीज में तो वो दिलवाए हमें तो पढ़ाई जरूरी है अपने जो रुचि है उसी के अनुसार करना मतलब है डिप्रेशन पढ़ाई टाइम पर है मतलब बहुत ज्यादा लोड है वर्कलोड बहुत ही ज्यादा है और कंपटीशन है भयंकर तरीके से मैं डिमोटिवेट होती ना तो हमारे कोचिंग के स्टाफ है ना उनसे मैं मतलब ऐसे नहीं बहुत ज्यादा उनके कॉन्टेक्ट में रहती थी तो वो होते हैं जिस चीज के बाद ज्यादा सोचते हैं ना तो उसी डिप्रेशन आता है तो मैं सोचती नहीं थी ज्यादा कि नंबर क्या होंगे पढ़ाई क्या होगी पेपर कैसा होगा मैं ऐसे पढ़ती रहती थी टीचर्स लोगों से मिलती रहती थी क्वेश्चन पूछ रहे थे उनसे पूछ रही थी मैं क्या करूँ कैसे करूँ ऐसे तो मैं जिस चीज़ को सोचती बहुत कम थी कि मैं क्या करूँगी नंबर कैसे आएंगे नीट में कैसा होगा क्योंकि जिस चीज़ के बाद ज़्यादा थिंकिंग करेंगे ना वो दिमाग में ज़्यादा घूमती रहेगी मैं ज्यादा सोचती नहीं थी और सोचती थी ना तब तो खूब डर लगता था टेस्ट सीरीज और रिवीजन शो कतो के कुछ फर्क पड़े जरूरी है अगर अपन सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना तो उसको इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट तो मस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे मान लो 50% टेस्ट इम्प्रूव होता है टेस्ट दे के आके टेस्ट का एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एनालिसिस करते टाइम हम से कम 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परमानेंट दिमाग में फिट हो जाते हैं ऐसे नीट के एग्जाम देते टाइम हमें पता चला था कि जो हम रिवीजन में चेक करते थे ना पेपर उसमें एज इट क्वेश्चन उठे हुए थे तो डायरेक्ट टिक करना था सुमन का पिताजी भी आपने साथ मौजूद थे हम भी बात करेंगे अच्छा डॉक्टर में भेजवाड़ी आ क्या देती कि गुरुजी कह मैं तो तार अपन पर ध्यान पर रहे पांच वहां को बट्टा गाल जा चार पड़े 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 है वहां को मैं कहूंगा जी कोरोना के टाइम थोड़ा तो होगा दोर होगा दोर लगे हो अब तो कुछ हुई गांव का खतरा अब तो बढ़िया है अब तो ठीक है अब बढ़िया काम कर दियो बढ़िया काम कर दियो अब और कई चाहदारी कई चाहे तो वेख वेख भाई और नोर पढ़ा भी नोर जाना माता जी भी मौजूद बहुत बढ़िया लगे धरती चार हाथ ऊंचा धरती चार धरती पर चलना ही कोई ऊंचा ऊंचा ही चलना ऊंचा ऊंचा ही चलो अब तो आड़ोस पाड़ोस वाला आता होगा जिना तो क्या आड़ोस पाड़ोस वाला क्या है टावरी कुकर बोला है डॉक्टर नी माँ हूँ जना बोलू हाँ दोरो बहुत बोली जाए टावरो सोरो कौन बोल जाए अब तो वो डॉक्टर नी की माई कहता होगा हाँ डॉक्टर नी माई कह तो अब के मनोजी माँ थोड़ी कह छोड़ दियो डॉक्टर नी माँ कह मन तो लाडली तो माँ की तो क्या लाडली बात कर रहा था खरी कि मैं तो मम्मी की लाडली हूँ वाह कुड़ी कुड़ी बड़ाई करी माँ की जन माँ गोबर को नहीं रहे हो मैं नौकरी लगा दी सुधे अच्छा अच्छा तो ओ काम तो बढ़िया कर रहे हो तो गोबर को नहीं रहे हो अकड़ माँ की तकड़ी इज ना नौकरी लाग गई माड़ी मोटी माँ यहाँ के लग गई आई के पाती सुमन के हाँ सुमन के पाती संग पांग आईडी है निन्ना के माँ किताब हाथ ने आई तो तकती ले गई बैठी पग बज जा ना तो सुमन के मतलब काम काज भी कराती थोड़ा सारा भी लगाती मम्मी के सारा तो लगाना पड़ता है डरती लगाना पड़ता जन मारोड़ा ने करे तो अब बेटी सक्सेस होगी आप खुश हो एकदम तो ये देखा कि सुमन माता पिता है जगह दोनों कुछ सामान्य परिवार से है सुमन है जगह आई और आज आपके गांव को है जगह नाम रोशन करियो सुमन कुमारी सियाग डॉक्टर जिनाराम सियाग जो हमारे विद्यालय से कक्षा 10 पास आउट थी उसके बाद में नीट फाउंडेशन के लिए उसे शिखर भेजा गया 2023 में उसका नीट में 621 स्कोर रहा और उसे नेलोर मेडिकल कॉलेज आवंटित हुई है और हमारे ग्रामीण परिवेश से निकलकर एक डॉक्टर शिक्षा के क्षेत्र में एक पहला कदम है हमारे विद्यालय की और हमारे गांव की पहली छात्रा है और हमारे क्षेत्र की पहली छात्रा है जिसका चयन नीट 2023 में हुआ है ये ही स्टोरी आगे भी लेके आऊंगा तो बने रहो जलको चूरू के साथ राम राम सामे पंकज।